अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं अलीज़ रज़ा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जुमेरात की सुबह 11:30 बजे फेडरल जुडिशल में तलबी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिक़ रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात लाने के लिए कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की GIT में तलबी खुश आइंद है। कमर जमान कायरा कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पैनामा मामले में मरकजी किरदार है। उम्मीद है इस बार वो नहीं होगा। जुनून लीग ने माजी में सुप्रीम कोर्ट के साथ किया। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान गैर मुस्तहकम है, अवाम खुशहाल नहीं, करप्शन के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध कहते हैं लोग समझते थे हम सिर्फ बातें करते हैं, इस शहर के लोगों से जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया। और APMSO के 39वें यौमे तासीस पर MQM के आरजी मरकज पर तकरीब। फैसल सतवारी कहते हैं महाजिर कातिल महाजिर मकतूल की सियासत नहीं करनी है, पाकिस्तान में इस्तेहसाली निजाम के खिलाफ जद्दोजहद करनी है। ये थी अब तक की न्यूज हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए newsplus.com.pk।